हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लव योर सेल्फ बाय डीडी। आज मैं जिस चीज़ का रिव्यू लेके आई हूँ वो शुगर का एक्वाहॉलिक हेलुरोनिक सीरम है। और चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। तो ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है और ये है प्रोडक्ट। ऊपर एक ड्रॉपर रहता है। ये जो कंटेनर है इसे यहाँ पे ये सील रहता है। ये एक ड्रॉपर फॉर्म में आता है और ये है सीरम। आपको इसे ड्रॉपर के साथ इसे उठाना पड़ेगा। ये देखिए, ये है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट 499 रुपीज़ में आता है और 3 इयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। क्वांटिटी इसकी सफिशिएंट है और आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। हेलुरोनिक सीरम जो होता है ये स्किन की मॉइस्चराइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। हेलुरोनिक एसिड जो होता है वो स्किन की जो लेयर्स है हमारे उसमें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट होने वाले एक इंग्रेडिएंट है। तो ये हेलुरोनिक एसिड हर किसी को इस्तेमाल करनी चाहिए स्किन को अच्छा मॉइस्चराइजेशन देने के लिए और अच्छा ग्लो पाने के लिए। इसे इस्तेमाल करने के बाद मेरा ये बेयर स्किन है और ये अप्लाइड स्किन। इसे इस्तेमाल करने के बाद 2-3 मिनट तक रुक जाइए, फिर आप लोग और एक मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी बहुत ही ड्राई स्किन है। ये आपको 2-3 ड्रॉप्स ही डेली लगेगा आपके फेस के लिए। काफ़ी अफोर्डेबल है। आजकल जो मार्केट में जो हेलुरोनिक सीरम्स आते हैं वो बहुत ही प्राइसी है और ट्वेल्टी फ्री एक ब्रांड है शुगर, तो शुगर का प्रोडक्ट मुझे बहुत सूट करता है इसलिए मैंने शुगर का ही हेलुरोनिक सीरम लिया है और मुझे ये बहुत ही सूट किया और मेरे स्किन को अच्छा नरिशमेंट दिया। ये मेरा बहुत ही ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन टाइप्स है या ऑयली स्किन टाइप्स है सबको ही रिकमेंड करूँगी। एक टिप देती हूँ, अगर आप लोग मेकअप के पहले इसे फेस में 2-3 ड्रॉप्स अगर आप लोग इस्तेमाल कर ले तो ये मेकअप को अच्छा एक ग्लो देता है और स्किन भी प्रोटेक्टेड रहता है और बहुत ही नरिश्ड रहता है। मॉइस्चराइज़र का काम ये करता है और मेकअप बहुत ज़्यादा देर तक स्टे भी करता है। तो ये था मेरा एक्वाहॉलिक हेलुरोनिक सीरम शुगर का, इसका रिव्यू। अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे मैं और भी कुछ रिव्यूज़ आपके पास ला सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।